नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं छावनी अनाज मंडी में और धीरे धीरे जो आवक है यानी गेहूं की, सोयाबीन की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अलग अलग किस्म के अनाज जो है वो किसान लेकर के आ रहे हैं और लगातार जो आवक और उत्पादन है वो बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं छावनी अनाज मंडी में, उनसे सीधे बात करते हैं आज के क्या कुछ दाम रहे, कौन कौन सी फसलें आज मंडी में प्रमुख तौर पर आई और क्या कुछ दाम उनके निर्धारित किए गए। आपका नाम? राकेश है। राकेश जी, व्यापारी हैं आप? बिल्कुल, व्यापारी हूँ। आज अलग अलग तरह की फसलें आई, सबसे ज्यादा कौन सी फसल यहाँ पर? गेहूँ। गेहूँ आई। कितना गेहूँ आया आज? आज गेहूँ 12,000 रुपए। अच्छा, और क्या रेट रहा आज गेहूँ का? गेहूँ नीचे में 2200 रुपए, ऊपर में 3000 रुपए। और लगातार जो दाम है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति देखने मिल रही है, क्या कारण इसका हम मान सकते हैं? आवक के ऊपर है, फिर क्या है, माल थोड़ा हल्का आ रहा है, गीला आ रहा है, तो माल एकदम मिलों में जाने पा रहा है, इससे बाजार कम ज्यादा चलते हैं। अच्छा, सरकारी खरीद अब धीरे धीरे जो है वो बढ़ेगी, सरकारी खरीद का दौर शुरू होगा, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? सरकारी खरीद अभी तो सरकार के पंजे नहीं चालू नहीं हुए, 15 तारीख से पंजे चालू होंगे, सरकार खरीदने आएगी, जब तक पता नहीं बाजार कहाँ जाएगा।